भारत घनता के आधार पर आईलैट्स प्रीख्या का सब तो वड्डा बाजार है, जो कि अंग्रेजी महारत को मापन के पैमाने वजो पूरी दुनिया में मानता रखती है। ताज़ा खबर यह है कि IDP ने भारत विचला ब्रिटिश कौंसल तो आईलैट्स प्रीख्या लैण का सारा कारोबार $130 मिलियन खरीद लिया है, जिस नाल भारत के इमीग्रेशन बाजार में तरथली मची हुई है। पहला यह प्रीख्या दोहां फर्मां वल्लों लई जांदी सी, पर हुण IDP की मोनोपली होने के डरों एसोसीएशन ऑफ स्टडी अब्रॉड कंसलटेंट्स इन इंडिया ने कंपीटिशन कमिशन ऑफ इंडिया नूं पहुँच करके अपने तौखले प्रगट किए हैं। विदेश यात्रा के इन्हां सलाहकारां दे डर हन कि IDP आईलैट्स प्रीख्या के नाल नाल यूनीवर्सिटियां नाल भी राबते रखता है, जिथे वह अंतरराष्ट्री विद्यार्थियों भेजण लई कमिशन प्राप्त करता है। हुण जदों ब्रिटिश कौंसल नूं भारतीय बाजार विचों पासे करके IDP आईलैट्स कराउण वाला इकलौता मंच है, तो वह अपने फायदे लई दोहां विभागां दी जानकारी दी वरतों कर सकता है। जिथे इन्नी वड्डी भारतीय मंडी विच IDP दी मोनोपली कायम हो रही है, उत्थे आईलैट्स दे महत्व दा अंदाजा इस गल तो लाया जा सकता है कि PTE अते TOEFL वर्गियां प्रीख्यावां होण दे बावजूद कई देश विशेष वीजियां अते यूनीवर्सिटी दे दाखले लई सिर्फ आईलैट्स प्रीख्यां दे नंबरां नूं ही मानता दिंदे हन। ब्रिटिश कौंसल हुण नवीआं प्रीख्यावां लई बुकिंग बिल्कुल बंद कर चुक्या है।